अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल पिल पैलेस। आज की वीडियो में बात करूंगी माइटोकॉन एक्स कैप्सूल के बारे में, जो कि एनर्जी एंड स्टेमिना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एनर्जी और स्टेमिना हर मेल की ज़रूरत होती है खुशगवार मैरिड लाइफ के लिए, हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए। अल्लाह ताला की तरफ से रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर समझा जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से 3 करोड़ पाकिस्तानी जो मैन हैं या मर्द हैं, उनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। थकावट, ज़हनी दबाव, परेशानी, चिड़चिड़ापन और तवानाई की कमी, ये सब अलामत की वजह से मर्दों के लिए सेक्सुअल परफॉर्मेंस की कमी का सबब बनती हैं। सेक्सुअल परफॉर्मेंस की कमी और तवानाई की कमी दोनों ही टेस्टोस्टेरोन की कमी का अलामत हैं। टेस्टोस्टेरोन एक प्राइमरी हार्मोन है जो कि मर्दों में होता है, जिसके लेवल्स में बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ कमी होती रहती है। तो अपनी ज़िंदगी में सेक्सुअल एनर्जी को बरकरार रखने के लिए टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पर लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो माइटोकॉन एक्स के इंग्रेडिएंट की बात करते हैं या फार्मूला की बात करते हैं कि इसमें कौन से जो हैं अज्जा शामिल होते हैं। तो ये एक डाइटरी सप्लीमेंट है, तो इसमें ट्रिब्यूलस टेस्टोस एक्सट्रैक्ट होता है जो कि टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए इसमें शामिल किया जाता है। इसके अलावा इसमें यूरिकोमा लॉन्गीफोलिया एक्सट्रैक्ट ऐड किया जाता है, जिसको हम लॉन्ग जैक भी कहते हैं, जो कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है। इसके अलावा माइटोकॉन एक्स कैप्सूल में एल आर्जिनिन जो है वो मौजूद होता है, जो कि ब्लड फ्लो को बेहतर करता है और स्टेमिना बढ़ाता है। इसके साथ साथ इसमें कुछ वाइटामिन और मिनरल्स भी ऐड किए हैं, जैसे कि वाइटामिन ई ऐड किया गया है, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है और सेक्सुअल हेल्थ को बेहतर करता है वाइटामिन ई। इसके अलावा इसमें सिलीनियम ऐड किया गया है, जो कि ये भी एंटीऑक्सीडेंट है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसके अलावा इसमें एल ऑप्टिक जिंक भी है, जो कि दिमागी तनाव और चिड़चिड़ापन को कम करता है और थकावट को भी कम करता है। अब हम बात करते हैं कि माइटोकॉन एक्स किन किन कंडीशन में इस्तेमाल की जाती है, यानी कि इसके यूजेस क्या हैं। तो आप जानते हैं कि माइटोकॉन एक्स जो है कैप्सूल, ये एक नेचुरल सोल्यूशन है मैन के लिए, जो कि सबसे पहले इसको टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बूस्ट करता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो है अगर लेवल लो हो मर्दों में तो इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी या हम उसको कह सकते हैं बांझपन कह सकते हैं, तो इसका सबब बनता है। बढ़ती उम्र के साथ साथ मर्दों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता रहता है, तो इस कंडीशन में भी माइटोकॉन एक्स कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा माइटोकॉन एक्स को तवानाई को बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन ई भी मौजूद है, कुछ मिनरल्स भी मौजूद हैं जो कि हमने इंग्रेडिएंट में देखे थे, यानी कि एग्जाम में देखे थे, जो कि तवानाई को रिचार्ज करवाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसके साथ साथ माइटोकॉन एक्स जो है वो जिस्मानी ताकत को बढ़ाने में भी मदद करता है। इसके अलावा माइटोकॉन एक्स जो है वो मूड में चेंज करता है, मूड को बेहतर बनाता है, क्योंकि इसमें एल ऑप्टिक जिंक मौजूद है, जो कि जहनी तनाव और चिड़चिड़ापन को कम करता है। थकावट और चिड़चिड़ापन जो है और जहनी तनाव जो है मैरिड लाइफ में बहुत ही मसाइल का सबब बन सकते हैं। इसके अलावा ये थकावट को भी कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से सेक्सुअल परफॉर्मेंस जो है उसमें बेहतरी आती है। अब हम बात करते हैं कि माइटोकॉन एक्स जो कैप्सूल है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। इसके इतने खास साइड इफेक्ट्स आपको देखने में नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ हो सकते हैं। तो आपको स्टमक जो है वो अपसेट हो सकता है, यानी कि आपका जो मैदा है वो डिस्टर्ब हो सकता है। इसके अलावा नोजिया एंड वॉमिटिंग, यानी कि उल्टी और मतली की कैफियत महसूस हो सकती है। और इसके अलावा डायरिया यानी कि लूज मोशन आपको हो सकते हैं। और अगर आपको एलर्जी या रैश वगैरह जिल्द पर महसूस हो तो आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना, हो सकता है कि आपको इस कैप्सूल में मौजूद किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी हो। और अहम बात यह है कि अगर आपको हार्मोनल डिसऑर्डर है या कोई भी हार्मोन्स का मसला है, या आप दिल के मरीज हैं, या फिर आप गुर्दों के मरीज हैं, तो अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। अब हम बात करते हैं कि माइटोकॉन एक्स कैप्सूल का इस्तेमाल कैसे करना है, कि इसको इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या हो सकता है। रोज़ाना एक कैप्सूल आपने खाने के साथ इस्तेमाल करना होता है, या जैसे आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करें या रिकमेंड करें वैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें, और हमारे चैनल को पिल पैलेस को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।